Okay, student. Now, today the chapter relation and functions. As earlier we have discussed, what is the Cartesian product of two sets? दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, हमने इसके पहले क्लास में देखा है. अभी हम जाएंगे रिलेशन की तरफ. व्हाट इज रिलेशन? रिलेशन क्या होता है? नाउ सपोज कंसीडर टू सेट्स. लेट यू हैव टू सेट्स ए, में आपके पास में सपोज 1 2 3 है, एंड सेट बी में आपके पास 4 5 टू है सपोज. ओके, एंड आई हैव टू राइट द रिलेशन फ्रॉम ए टू बी. राइट अ रिलेशन ऑन ए, ऑफ ए ऑन बी. ए का रिलेशन बी पे लिखना है, सच दैट मुझे रिलेशन इस तरह से चाहिए. इसको ऐसा लिखना है, आई वॉन्ट टू फाइंड दोज ऑर्डर पेयर. इसमें से अभी यहां पर ए क्रॉस बी क्या होगा? ए क्रॉस बी होगा आपका 1 4 1 5 1 2. ओके, देन 2 4 2 5, देन 2 2. ओके, देन 3 4 3 5 एंड 3 2. ऐसा होगा ए क्रॉस बी. लेकिन मुझे रिलेशन लिखना है ऐसे ऑर्डर पेयर्स का, रिलेशन फ्रॉम सेट ए ऑन बी. ए का रिलेशन बी पे लिखना है, सच दैट यहाँ पे लिखता हूँ मैं एक्स इज लेस देन वाई, फिर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी. ये मेरा रिलेशन है. रिलेशन मेरा ये है कि आपको ऐसे रिलेशन लिखना है, ऐसे ऑर्डर पे सिलेक्ट करो इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से, कि ताकि पहला जो एलिमेंट है इस ऑर्डर पेयर में का वो सेकंड से छोटा होना चाहिए. तो इस रिलेशन में कौन कौन से ऑर्डर पेयर था, देखो 1 4 1 इज लेस देन 4 ये आएगा, 1 5 भी आएगा, 1 5 भी आएगा, 1 2 भी आएगा, 2 4 भी आएगा, 2 2 भी आएगा, है ना, 3 4 भी आएगा, 3 5 भी आएगा, 3 2 भी आएगा, है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सभी ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में आएंगे, है ना. या सपोज अभी मेरा रिलेशन है, सपोज कि राइट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई, सच दैट एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5 चाहिए मुझे. ये दोनों एलिमेंट्स की एडिशन मुझे 5 चाहिए, वेर एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी. ऐसा मेरा रिलेशन है अभी, है ना. अभी इसके पहले जो रिलेशन मिला था मुझे पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला था. यहां पर कौन सा आता है, देखो रिलेशन में यू चूज दैट ऑर्डर पेयर्स इन विच एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 5. तो यहाँ पे 1 प्लस 4 5 होता है, ये ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू दिस रिलेशन. 1 प्लस 5 नहीं आएगा, 1 प्लस 2 नहीं आएगा, 2 प्लस 4 नहीं आएगा, 2 प्लस 5 नहीं आएगा, 2 प्लस 2 नहीं आएगा, 3 प्लस 4 नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा. तो इसमें सिंपली एक ही ऑर्डर पेयर आती है ना, एक ही ऑर्डर पेयर आती है इस रिलेशन में. अगर मैं कहता हूँ कि एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0, वेर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, ठीक है ना. यहाँ पर इस रिलेशन में कौन से ऑर्डर पेयर्स है, तो क्या कोई भी दो एलिमेंट्स का एडिशन यहाँ पे 0 हो सकता है? नहीं हो सकता है. तो इस रिलेशन में 5 आ जाएगा. पहला जो मेरा रिलेशन था उसमें पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट आया था. दूसरा जो रिलेशन था उसमें 1 और 4 ऑर्डर पेयर आई थी. तीसरा जो रिलेशन है मेरा 5 आ गया, एम्प्टी सेट आ गया. सपोज यहाँ पे लिखता हूं मैं एक्स प्लस वाई इज लेस देन 8, वेर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी. अब एक्स प्लस वाई के एडिशन लेस देन 8 होना चाहिए. तो इस रिलेशन में कौन सा आएगा, देखो 1 प्लस 4 लेस देन 8 आता है, 1 प्लस 5 लेस देन 8 आता है, 1 प्लस 2 लेस देन 8 आता है, 2 प्लस 4 लेस देन 8 आता है. यहाँ पे ऐसा करता हूँ मैं, पूरे आ रहा है यहाँ पर 6 करता हूँ. एक्स बिलोंग्स टू ए, क्योंकि वहां पर पूरा का पूरा सेट आ जाएगा कार्टेशियन प्रोडक्ट फिर से. चलो मैं लेता हूँ एक्स प्लस वाई लेस देन 6, तो 1 4 आएगा, लेस देन 6 ये नहीं आएगा, 1 2 आएगा,
2 + 4 लेस देन 6 नहीं है, 2 + 5 नहीं है, 2 2 आएगा, 3 4 नहीं आएगा, 3 5 नहीं आएगा, 3 2 आएगा। ओके, तो ये ऑर्डर पेयर्स इस रिलेशन में आएंगे। तो आप रिलेशन कौन सा कंसीडर करते हैं उस पे डिपेंडिंग आपको ऐसे ऑर्डर पेयर्स उस सेट में आ जाएंगे। तो यहाँ पर ये जो सेट मिल गया मुझे, ये ए क्रॉस बी का सबसेट है। इसके पहले मुझे एम टी मिला था, फाइव सेट मिला था, फाइव, सो दैट इज ऑल्सो एन दैट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस बी। उसके पहले पूरा का पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट मिला था, वो भी इसका सबसेट है। तो इसका मतलब ये रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स आ रहे हैं वो ए क्रॉस बी का सबसेट है। तो हम उसे ये भी कह सकते हैं कि रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ देर आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी, देन रिलेशन इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का सबसेट हमेशा रिलेशन होता है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हो, कंसिडर द टू सेट्स, कंसिडर द टू सेट्स, दो सेट्स कंसिडर करो, पी में ए बी सी एलिमेंट्स है एंड क्यू जो है उसमें सपोज अनिकेत है और भाग्येश सी से सपोज मैं चेतन लेता हूँ और दिव्या लेता हूँ और सपोज और मैं लेता हूँ अनिकेत के बारे अरुण, सपोज अरुण, इतने नाम ले लिए मैंने। ठीक है, अभी आपको राइट रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी पी टू क्यू, पी का रिलेशन क्यू में लिखना है, सच दैट ऐसा रिलेशन लिखो, रिलेशन ऑफ ऑर्डर पेयर एक्स वाई, ऐसा रिलेशन लिखना है कि जो पहले सेट में का जो एलिमेंट है वो दूसरे सेट में का जो नाम है उस एलिमेंट से शुरुआत होना चाहिए। पहले सेट में का ए है तो ए से शुरू होने वाला नाम मुझे उसके साथ में एसोसिएट करना है। ठीक है ना, सो यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स कितने आएंगे देखते हैं, ऑर्डर पेयर्स कितने आएंगे यहाँ पे, एक एक दो तीन है, 3 × एक दो तीन चार पांच, तो 15 ऑर्डर पेयर्स आएगी यहाँ पे। ए पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू विल कंटेन 15 ऑर्डर पेयर्स, ए अनिकेत, ए भाग्येश, ए चेतन, ए दिव्या, ए अरुण, ये पांच होगी, बी अनिकेत, बी भाग्येश, बी चेतन, बी दिव्या, बी अरुण, ये पांच होगी, सी अनिकेत, सी भाग्येश, सी चेतन, सी दिव्या, सी अरुण, ये पांच होगी। तो इस तरह से आपको 15 ऑर्डर पेयर्स पी क्रॉस क्यू में मिलेंगे। लेकिन मुझे ऐसा रिलेशन लिखना है, आई हैव टू राइट अ रिलेशन ए पी ऑन क्यू सच दैट, ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है सच दैट एक्स इज द फर्स्ट लेटर, एक्स इज द फर्स्ट फर्स्ट लेटर, एक्स मीन्स ये वाला, एक्स मीन्स ऑर्डर पेयर में का है पहला, दिस इज द फर्स्ट लेटर ऑफ द नेम वाई, ऑफ द नेम वाई वेयर एक्स बिलोंग्स टू कैप पी और वाई बिलोंग्स टू क्यू, ऐसा मुझे रिलेशन लिखना है। ऐसा रिलेशन लिखो ऑर्डर पेयर एक्स वाई का कि जहां पर जो पहला एलिमेंट है ये सपोज ए लेता हूं मैं, तो उसी से कंटिन्यू होने वाला नाम चाहिए मुझे, तो यहाँ पे ए अनिकेत आ जाएगा, इस लेटर से शुरू होने वाला नाम चाहिए, फिर ए अरुण भी आएगा, अरुण है ना, फिर बी से भाग्येश आएगा, भाग्येश, ये बी इसके साथ में रिलेट होगा है ना, फिर सी जो है सी चेतन के साथ में रिलेट होगा, चेतन है ना, इस तरह से इतने ए दो बार रिलेट होगा, अनिकेत से भी हो गया, अरुण से भी हो गया, बी भाग्येश से और सी चेतन से। अब दिस इज द रिलेशन, ये रिलेशन लिखा मैंने। अब ये जो ऑर्डर पेयर से ये पी क्रॉस क्यू में से ही है,
आपका जो पी क्रॉस क्यू में जो 15 ऑर्डर पेयर्स मिलेंगे आपको, उसमें से ही ये वाला रिलेशन है। सो इट मीन दिस इज द सबसेट ऑफ पी क्रॉस क्यू, पी क्रॉस क्यू का ये सबसेट है। इसमें अभी इस रिलेशन में ये जो ए बी सी तीन एलिमेंट्स रिलेट हो गए पी, और इसमें से देखो क्या क्या रिलेट हो गया, अनिकेत अनिकेत, अरुण अरुण, भाग्येश और चेतन। तो यहां पर ए जो है दोनों के साथ में रिलेट हो गया है ना, बी जो है भाग्येश के साथ में एसोसिएट हो गया, सी जो है चेतन के साथ में रिलेट हो गया। तो यहां पर ए बी सी का जो सेट है दैट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ रिलेशन, ये उसका डोमेन हो गया। और उसके बाद में ये जो सेट बन गया अनिकेत अरुण भाग्येश भाग्येश और चेतन, दिस इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। जिसके साथ में रिलेट हो गए वो रेंज हो गया। तो ये जो सेट हो गया उस रिलेशन का रेंज हो गया, और ये जो सेट हो गया वो डोमेन हो गया उस रिलेशन का। डोमेन का सेट ए है और ये जो है आपका रेंज का सेट है। अब यहाँ पर दिव्या वगैरह ज्यादा का नाम है, तो ये पूरा का पूरा सेट जो हो जाएगा ये आपका कोडोमेन हो जाएगा। इसको कहेंगे दूसरा वाला सेट को कोडोमेन। लेकिन इसमें से जो एसोसिएट होते हैं इतने नाम दैट इज कॉल्ड रेंज ऑफ दी रिलेशन, उसको रेंज कहेंगे या इमेज भी कह सकते हैं। इसको कहेंगे आप रेंज रेंज और इमेज। यहां पर ए की इमेज अनिकेत है या ए का रेंज अनिकेत है, ए की इमेज अरुण है या ए का रेंज अरुण है, बी की रेंज भाग्येश है या बी की इमेज भाग्येश है, सी की इमेज चेतन है, इस तरह से। ठीक है, सो इट मीन्स योर रिलेशन इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इफ ए एंड बी आर इन इट टू नॉन एम्प्टी सेट्स। सो डेफिनेशन देखते हैं हम इसका, रिलेशन का डेफिनेशन। डेफिनेशन, ए रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट, फ्रॉम ए नॉन एम्प्टी सेट कैपिटल ए टू ए नॉन एम्प्टी सेट, दूसरा ले लीजिए बी, सपोज बी इज द सेट ऑफ इज ए सबसेट ऑफ इज ए सबसेट, वो सबसेट होता है हमेशा रिलेशन का ए क्रॉस बी का, इज ए सबसेट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी में से ही ऑर्डर पेयर्स आपके रिलेशन में आएंगे, चाहे आप रिलेशन कोई भी लगाओ आपका जो आंसर आएगा उस रिलेशन में या तो फाई आ सकता है या तो पूरा का पूरा ए क्रॉस बी आएगा या तो कुछ सिलेक्टेड ऑर्डर पेयर्स आएंगे। इसका मतलब रिलेशन जो है हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। ओके, ए क्रॉस द सबसेट इज डिराइव्ड बाय द सबसेट इज डिराइव्ड बाय डिस्क्राइबिंग रिलेशनशिप बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट बिटवीन द फर्स्ट एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट एंड द सेकेंड एलिमेंट, है ना, फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट में का रिलेशन होता है, ऑफ द ऑर्डर पेयर्स
ए क्रॉस बी, ओके। द सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड इमेज कहते हैं। द सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट इज कॉल्ड कॉल्ड द इमेज, या उसको रेंज कंप्लीट जो सेट बनेगा दैट विल बी द रेंज, है ना। इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, इमेज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, उसका वो इमेज बन जाएगा, ठीक है ना। द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन ठीक है, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट, पहले पहले जो एलिमेंट्स हो गए उस रिलेशन में जो ऑर्डर पेयर्स होते हैं उसके जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं। द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, द सेट ऑफ ऑल फर्स्ट एलिमेंट्स, पहले पहले एलिमेंट जो होते हैं ऑफ द ऑर्डर पेयर्स, ऑफ द ऑर्डर पेयर, जो हम रिलेशन में ऑर्डर पेयर्स लिखते हैं उसमें के जो पहले पहले एलिमेंट्स होते हैं इन ए रिलेशन आर, इन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए सेट, फ्रॉम ए सेट, कहां से, ए से लेके बी तक, है ना। ए टू ए सेट बी, ए टू द सेट बी इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, इज कॉल्ड द डोमेन, डोमेन ऑफ द रिलेशन आर, उस रिलेशन का उसे डोमेन कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, सपोज मैं सिंपल में बताता हूं कि आपके पास में सेट ए है 1 2 3 और सेट बी है सपोज 5 6 7 8, ये ऐसा है। मुझे रिलेशन लिखना है, देखो अभी आई हैव टू राइट द रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट एक्स प्लस वाई जो चाहिए मुझे इट शुड बी लेस देन 8 करता हूं मैं, ओके। वेर एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए, वाई बिलोंग्स टू कैपिटल बी, मुझे ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है ए क्रॉस बी में से। ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 5 1 6 1 7 1 8, 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 3 8, दिस विल बी योर ए क्रॉस बी। उसमें से मुझे ऐसा रिलेशन लिखना है, ऐसी ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करो ताकि पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट इसकी जो एडिशन है वो लेस देन 8 होना चाहिए। तो इस रिलेशन में रोस्टर फॉर्मूले का कौन कौन से ऑर्डर पेयर है, 1 5 ये आ जाएगी लेस देन 8 है, 1 6 भी आएगी लेस देन 8 है, 1 8 नहीं आए, 1 7 नहीं आएगा लेस देन 8 नहीं होता है, 1 8 भी नहीं आएगा, 2 5 आ जाएगा, 2 5 लेस देन 8 है, 2 6 नहीं आएगा, 2 7 नहीं आएगा, 2 8 नहीं आएगा, फिर 3 5 नहीं आएगा, 3 6 3 7 3 8 नहीं आएगा। तो इसमें जो है तीन ऑर्डर पेयर्स आती है, तीन ऑर्डर पेयर्स। तो यहां पर ये जो सेट बन गया है, सपोज मैं इसको पी से मानता हूं, ये सेट पहले पहले एलिमेंट लिखो 1 1 2, तो सिंपली 1 2, इसे कहेगा डोमेन ऑफ रिलेशन, ये होगा डोमेन का सेट, इस रिलेशन का डोमेन का सेट। और सब दूसरा जो सेट बन गया, मुझे रेंज रेंज लिखो 5 6 5, तो इसका मतलब 5 और 6 ये होगी इस रिलेशन की रेंज, रेंज होगी। तो इस तरह से हम रिलेशन का डोमेन और रेंज, यहां पर ये जो कंप्लीट सेट है इसको हम को डोमेन कह सकते हैं, को डोमेन, को डोमेन। लेकिन इसमें से जो सिलेक्टेड एलिमेंट्स यहाँ पे इमेजेस है दैट सेट इज कॉल्ड रेंज, रेंज इस रिलेशन का रेंज का सेट ए है और डोमेन का सेट ये है। आई बात समझ में, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, सेकंड सेकंड एलिमेंट, द सेट ऑफ ऑल सेकंड एलिमेंट, उस ऑर्डर पेयर में से जो सेकंड सेकंड एलिमेंट्स होते हैं इन रिलेशन आर,
रिलेशन कैपिटल आर फ्रॉम एसेट ए टू सेट बी, फ्रॉम एसेट ए, फ्रॉम एसेट ए टू सेट बी, सेट ए से लेके सेट बी तक इज कॉल्ड रेंज, इज कॉल्ड सेकंड सेकंड एलिमेंट, इज कॉल्ड द रेंज, उसको हम रेंज का सेट कहेंगे। रेंज ऑफ द रिलेशन आर, रेंज ऑफ द रिलेशन आर, जैसे यहाँ पे मैंने रेंज में 5 6 का सेट लिखा था, है ना, 5 6 ये उस रिलेशन का रेंज हो गया। तो सेकंड सेकंड एलिमेंट जो हो गए, जो एसोसिएट होते हैं और इमेजेस का जो सेट होता है, दैट इज कॉल्ड द रेंज ऑफ द रिलेशन। द होल सेट बी इज कॉल्ड द कोमेट, कोडोमेन। पहला सेट ये होता है, दूसरा सेट बी होता है, इसका रिलेशन लिखना है, तो सेकंड सेट को कोडोमेन कहते हैं। द होल सेट, द होल सेट कैपिटल बी जो सेकंड सेट होता है, जो दिए हुए सेट आपको दिए रहे थे पहले, उसमें से इज कॉल्ड द कोडोमेन, इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ द रिलेशन आर, ऑफ द रिलेशन आर। अब यहाँ पे देखो, कोडोमेन में ये सेट ए और सेट बी, ये कंप्लीट सेट जो होगा इसको कोडोमेन कहेंगे। इसमें से कुछ एलिमेंट जब रिलेट हो गए तो वो जो सेट कहलाएगा, दैट विल बी द रेंज, ये रेंज हो गया। इसमें से सिलेक्टेड जो एसोसिएट होते हैं सेट ए के साथ में, वो आपका रेंज हो जाएगा। इसका मतलब रेंज जो है, दैट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ कैपिटल बी, बी का ए सबसेट होता है या इक्वल टू बी आ सकता है। देयर फॉर वी कैन से दैट रेंज इज ऑलवेज, रेंज इज अ सबसेट और इक्वल टू भी हो सकता है कोडोमेन, कोडोमेन का वो सबसेट हो सकता है या कोडोमेन के बराबर में आपका रेंज का सेट हो सकता है। सो दिस इज अबाउट द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। ओके, अभी एग्जाम्पल देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखिए। लेट लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2, 1 2 दो एलिमेंट, एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू, एंड कैपिटल बी इक्वल्स टू 3 4, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, फ्रॉम सेट कैपिटल ए टू कैपिटल बी, ठीक है ना। सॉल्यूशन, नंबर ऑफ रिलेशन कितने हो जाएंगे, इसमें रिलेशन कितने हो सकते, तो पहले हमको ए क्रॉस बी निकालना पड़ेगा, है ना। वी हैव ए क्रॉस बी इक्वल्स टू, देखो 1 3 1 4 टू थ्री टू फोर, ये ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे इसमें। इस ए क्रॉस बी में 4 ऑर्डर पेयर्स आएंगे, इसका मतलब इस सेट में 4 एलिमेंट्स है ना। और हमने देखे थे कि अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके सबसेट जो होते हैं 2 रेस्ट टू द पावर n होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल, किसी एक सेट में 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट, इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, एक 5, सिंपली 1, सिंपली 2 और 1 2, तो देखो ये सबसेट हो जाएंगे, इसके 4 सबसेट हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 एलिमेंट है, तो 2 का पावर 2 मीन्स 4, 4 इसके सबसेट होते हैं। उसी प्रकार से अगर किसी सेट में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसके सबसेट हो जाएंगे 2 रेस्ट टू द पावर n। सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यहाँ पर कितने, 4 है, 4 एलिमेंट है, 4 ऑर्डर पेयर से में 4 एलिमेंट है। द नंबर ऑफ सबसेट, देयर फोर द नंबर ऑफ, इसके सबसेट कितने, देखो नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी वो हो जाएगा 2 रेस्ट टू द पावर 4, दैट इज 16। तो इसके 16 सबसेट हो जाएंगे। तो अगर इसके 16 सबसेट होते हैं, तो हमको ये पता है कि रिलेशन जो है हमेशा
सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी का होता है। तो आप ऐसे रिलेशन लेंगे कि हो सकता है किसी में कुछ भी नहीं आएगा, ऐसा भी रिलेशन ले सकते हैं कि सच में उसमें साली 1 3 आएगा, ऐसा भी रिलेशन ले सकते हैं जिसमें सिंपली 1 और 4 ही ऑर्डर पेयर आएगी, ऐसा भी रिलेशन ले सकते हैं जिसमें 1 3 और 1 4 आएगी। तो जो भी रिलेशन होगा आपका उसका आंसर इसमें से ही आएगा। दैट रिलेशन विल ऑलवेज बी ए सबसेट ऑफ दिस ए क्रॉस बी। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इस पर कितने रिलेशन हो सकते हैं, तो जितने इस सेट के सबसेट हो सकते हैं उतने ही रिलेशन इस ए क्रॉस बी पर होंगे। सो फ्रॉम ए टू बी कितने रिलेशन हो जाएंगे, तो जितने उसके सबसेट है। तो यहाँ पे 2 रेस्ट टू द पावर 4 अगर इस ए क्रॉस बी के सबसेट हो सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे रिलेशन भी 2 रेस्ट टू द पावर 4 हो जाएंगे, क्योंकि हर कोई रिलेशन जो होगा उसमें इसमें से ही ऑर्डर पेयर आ सकती है, या तो 5 आएगा, या तो पूरा का पूरा सेट आएगा, या कुछ सिलेक्टेड ऑर्डर पेयर आएंगे। जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ रिलेशन कैन बी 16 ओनली। 2 रेस्ट टू द पावर 4 मीन्स टोटल नंबर ऑफ रिलेशन इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी, ऐसा बोल सकते हैं। देयरफॉर यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस रिलेशंस इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के जितने सबसेट हो जाएंगे उतने टोटल नंबर ऑफ आपके रिलेशंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके। नाउ टेक एन एग्जांपल, दूसरा देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, एक्सरसाइज 2.2। लेट कैपिटल ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 डैश 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 अप टू 14, इतने नंबर दे। डिफाइन डिफाइंड ए रिलेशन आर आर फ्रॉम ए टू ए, फ्रॉम ए टू ए मीन्स दोनों साइड आपको ए ए दिया है, पहला भी ए है दूसरा भी ए है, ए टू ए आपको रिलेशन लिखना है, ए टू ए बाय। रिलेशन कैसा है तो आपको इस तरह से ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करना है सच दैट 3x - y इट शुड बी इक्वल्स टू 0 आना चाहिए, वेर एक्स एंड वाई बिलोंग टू कैपिटल ए में से होना चाहिए। ऐसे ऐसे ऑर्डर पेयर में ऐसे ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू ले लो ताकि 3x - y का आंसर 0 हो जाएगा। वही ऑर्डर पेयर आपको दिस ए क्रॉस ए में से सिलेक्ट करना है। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज, रेंज का सेट भी लिखना है। अभी देखो यहां पर, चलो ओके, हियर हियर वी हैव टू राइट ए रिलेशन रिलेशन ए टू ए, है ना। सो आर में देखो, आर में सच आप ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट 3x - y इक्वल टू 0 होना चाहिए। सो एक्स और वाई बिलोंग टू कैपिटल ए होना चाहिए। तो इसमें कौन कौन से आएंगे अभी देखो, सपोज मैं यहाँ पे देखो ए में 1 2 3 4 अप टू 14 तक नंबर दिए हैं मेरे पास में, ठीक है। सपोज मैं एक्स इक्वल टू 1 रखता हूँ, एक्स इक्वल टू 1 रखो सो 3 इक्वल्स टू y आ जाएगा, y की वैल्यू 3 आ जाएगी, 3 इंटू 1 3 - 5 उधर लेके चलो, तो इसका मतलब 1 3 ऑर्डर पेयर आएगा इसमें। यहाँ पे एक्स इक्वल टू 1 रखो, y इक्वल टू 3 रखो तो 3 - 3 0 बनेगा, तो ये ऑर्डर पेयर आएगी, है ना। एक्स इक्वल टू 2 रखो सेकंड एलिमेंट, 2 अगर रखते हम 3 इंटू 2 - y इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 6 आएगा, सो 2 अगर रखते तो हम 6 मिलेगा, है ना। ये भी 2 और 6 आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। एक्स फिर 3x - y इक्वल टू 0 में या 3x इक्वल टू y है तो एक्स इक्वल टू में 3 रखता हूँ तो 9 आ जाएगा, है ना। एक्स इक्वल टू 3 रखो तो 9 आ जाएगा, राइट। एक्स इक्वल टू 3x इक्वल टू y है, एक्स इक्वल टू 4 रखो तो 12 आ जाएगा, एक्स इक्वल टू 4 रखो तो y 12 आएगा, 3 इंटू 4, है ना।
फाइव रखते तो क्या आता है, 15 आता है। फाइव अगर रखता हूं मैं तो 15 आता है, वाई, जबकि मेरे सेट में अप टू 14 तक ही एलिमेंट है, इसलिए मैं 5 15 यहाँ पर नहीं ले सकता। तो ये आपका रिलेशन में इतने ऑर्डर पेयर्स आ जाएंगे, फोर ऑर्डर पेयर्स। देयरफॉर इसका जो डोमेन होगा, डोमेन का सेट होगा पहले पहले एलिमेंट्स 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है ना। कोडोमेन तो पूरा का पूरा सेट होता है, सेकंड वाला कोडोमेन, कोडोमेन जो होगा कंप्लीट सेट ए होगा, या 1 2 3 4 5 अप टू 14 ये कोडोमेन हो जाएगा। रेंज जो है, रेंज रेंज कौन सा होगा, तो सेकंड सेकंड एलिमेंट 3 6 9 12, 3 6 9 12, सो दिस विल बी सेट ऑफ रेंज ऑफ दिस रिलेशन। सो इन दिस वे वी कैन फाइंड द डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन। आई बात समझ में? ओके।